इंडिया में दो ही ऐसे बैटल रॉयल गेम्स हैं जिन गेम्स ने बहुत टाइम से अभी तक मार्केट में पॉपुलैरिटी के मामले में एकदम बहुत तगड़ा पॉपुलैरिटी गेन करके रखा हुआ है अपने अंदर, और इनके फैन बेस भी ह्यूज है। नो डाउट इट्स BGMI एंड फ्री फायर। बट इंडिया में फ्री फायर जाने के बाद से बहुत सारी चीजें उलट पुलट होनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग गेम खेलना छोड़ रहे हैं, और नहीं तो बहुत सारे लोग फ्री फायर छोड़ के BGMI में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। बट लोग चाहे BGMI खेल ले या फिर COD खेल ले या फिर कोई भी अदर बैटल रॉयल गेम्स खेल ले, वो कभी भी फ्री फायर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा आज इस वीडियो में जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि why BGMI कैन नॉट रिप्लेस फ्री फायर। अब इसके बाद देखो लड़ाई वगैरह मत शुरू कर देना प्लीज, ये सब चीजें बढ़िया नहीं लगती यार। ये नॉर्मल सी एक फैक्ट है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए आई थिंक। अब नंबर 5 में जो रीजन आती है क्यों BGMI फ्री फायर को रिप्लेस नहीं कर सकती है, वो है इसके अपडेट्स एंड बग फिक्सेस। मतलब फ्री फायर के बग फिक्सेस, आप लोग सुन के बोलोगे भाई आर यू क्रेजी। लोग परेशान है कि फ्री फायर में बग, ये सब चीजें, ग्लिचेस वगैरह बड़े बड़े हैं, और मतलब क्या बोल रहे हो तुम। मुझे पता है ये चीज आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा, बट वेट, मैंने बोला अपडेट एंड बग फिक्सेस। मतलब देखो BGMI में ना अपडेट्स आते हैं, बट BGMI अपडेट लाने में जितना टाइम लगाता है या फिर एक एक अपडेट्स BGMI का जितना टाइम लेता है, उसके बीच में फ्री फायर कई सारे अपडेट्स लाते हैं जिनमें पुराने सारे ग्लिचेस जो रहते हैं वो कई हद तक मिट जाते हैं। हाँ ये अलग बात है कि अपडेट आने के बाद कोई ना कोई नया ग्लिच आ जाता है, लेकिन एक चीज आप लोगों को जरूर से ये चीज मानना पड़ेगा कि बग फिक्सिंग तो फ्री फायर करता है, मतलब पहले भी करता आया है। पहले हमारे जो बहुत सारे ग्लिचेस होते थे, आपको पता है कि विंडो ग्लिच हुआ करता था हमारे साथ बहुत पहले, बट अभी के टाइम पे नहीं होता है विंडो ग्लिच, और ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ नए नए ग्लिचेस आते रहते हैं ये अलग बात है, लेकिन बग फिक्सिंग ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करती रहती है यहाँ पे गड़ीना अपडेट्स के साथ साथ, क्योंकि हमें पता है कि अपडेट अगर मेन वाला हमारा जो 2 महीने में एक बार अपडेट मिलता है, वो अपडेट ना भी मिले तो भी हमें बीच बीच में कभी 50 MB का, कभी 60 MB का, कभी 7 MB का, कभी 10 MB का, ऐसे करके अपडेट मिलते रहते हैं गेम में ही। तो ये सारे छोटे छोटे अपडेट्स के जरिए भी बहुत सारे बग फिक्सेस होते रहते हैं, जो कि बढ़िया चीज है। सो यस, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है ना, बढ़िया है ये मेरे ख्याल से। अब 4th रीजन आता है इन गेम करेंसीज और आइटम को लेकर। हमारे फ्री फायर के डायमंड्स मच 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 चीपर है अगर कंपेयर किया जाए BGMI के यूजेस के साथ। हम 80 रुपए डाल के 100 डायमंड्स ले सकते हैं, जहां पे अगर BGMI की बात करें तो 80 रुपए डाल के 70 यूसेज हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें, मतलब वहां पे 70 यूसेज जितने काम में आते हैं, हमारे यहाँ पे 100 डायमंड्स में उतने ही काम में आते हैं। लाइक उनमें कुछ अंतर नहीं है कुछ ज्यादा, लेकिन हाँ मच चीपर है ये चीज अफोर्डेबिलिटी के मामले में। तो भाई बहुत बढ़िया है कि मतलब 80 में 100 डायमंड जिसको मिल रहा है बंदे को, उसको अगर 80 में एक झटके में 70 मिलना शुरू हो जाए, कोई फ्री फायर का बंदा जाके अगर यूसी टॉप अप करना शुरू कर दे BGMI में, तो उसको पहली बार करने में ना बहुत ज्यादा बहुत अंदर से दर्द फील होगा, भाई ये क्या हो रहा है, जितना पैसा दे रहा है उससे कम हमें मिल रहा है। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई यार गलत है। बट जो पहले से खेलते हैं BGMI उनके लिए तो भाई ठीक ठाक है, बट जो फ्री फायर छोड़ के BGMI में जा रहे हैं उनके लिए ये चीज कहीं ना कहीं बहुत दर्ददायक हो सकता है ये। हाँ ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इन गेम आइटम्स वगैरह को पसंद नहीं करते हैं, बट ये जस्ट एक रीजन है कि व्हाई फ्री फायर कांट बी रिप्लेस्ड विद BGMI। तीसरा है कॉम्पेटिबिलिटी के मामले में। अब देखो, हाँ एक और चीज बता दूं कि फ्री फायर एक ऐसा गेम है ना जो कि 5000 के फोन में भी लैग करता है, और 5 लाख के एक तगड़े PC के अंदर भी लैग करता है। मेरे PC में भी कभी कभी लैग कर जाता है। सो यस, इसका AI सिस्टम थोड़ा सा लो एंड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये गेम किसी भी लो एंड डिवाइस में चल नहीं सकता है। बल्कि इसीलिए ये गेम और ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि ये गेम आज भी 2 GB के फोन्स में बंदे खेल पा रहे हैं अच्छी तरीके से। चाहे वो आप लोग कुछ भी बोलो कि आप कोई भी पैक वगैरह डाउनलोड ना करो, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम पैक्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल अगर आप खेलना भी चाहते हो गेम को एंजॉय करने के लिए, तो भी आप जस्ट गेम में आकर जस्ट खेल सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग एनी कस्टम पैक्स वगैरह, कोई भी गन स्किन्स के जो आप है सारा कुछ डाउनलोड ना करके भी खेल सकते हो आप चाहो तो। लेकिन अगर डाउनलोड भी कर लेते हो तो भी आपको उतना दिक्कत नहीं आने वाला है, जस्ट 1-2 चीजें डाउनलोड करके रख लो जो कि आप यूज करते हो नॉर्मली। बाकी अगर आप खेलना चाहते हो तो आज फ्री फायर 2 GB में चल जाता है। लेकिन अगर सेम चीज मैं बताऊं ना BGMI, भाई लिटरली आई एम नॉट श्योर 2 GB में BGMI उतना बढ़िया चल पाएगा कि नहीं। बाय द वे देखो, गेम्स दोनों ही लैग करने वाले, ठीक है, ये नहीं है कि ये गेम नहीं करेगा ये गेम करेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, फ्री फायर जब आया था फर्स्ट टाइम
इसका साइज था 50 MB। मतलब भाई बहुत पहले से ये कॉम्पेटिबिलिटी के मामले में, रिक्वायरमेंट्स के मामले में बहुत कम होता है। आज भी ये गेम कॉम्पेटिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये स्टिल एक लो एंड डिवाइस के लिए बहुत ही बेहतरीन गेम के हिसाब से जाना जाता है आज के टाइम। दूसरा जो रीजन है वो भी पिछले वाले से कनेक्टेड है, वो है साइज को लेकर। अब मैंने पहले ही बता दिया कि फ्री फायर जब पहली बार आया था प्ले स्टोर में, तब इसका साइज हुआ करता था 50 MB। धीरे 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 जब टाइम स्पेंड होता है, अपडेट्स आते रहे, गेम को डेवलप करना जरूरी था यार, उसके साथ साथ गेम का साइज भी बढ़ता गया। नॉर्मल सी बात है, हर एक चीजों में होते हैं। और आज के टाइम पे गेम्स भाई लिटरली, अगर गेम्स का साइज नहीं होना, क्योंकि डिवाइस भी अच्छे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से गेम्स भी एडवांस हो रहे हैं और उनका डाउनलोडिंग साइज बढ़ते जा रहा है। लेकिन आज भी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्री फायर बहुत हद तक बहुत कम साइज के अंदर 700 टच कर चुका है फ्री फायर MB तक, मतलब 700 MB तक टच कर चुका है। लेकिन स्टिल फ्री फायर आज भी बहुत सारे लोगों के डिवाइसेस में डाउनलोड हो सकते हैं, 700-800 MB तक आज भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड में BGMI की बात करूं, आप लोग बोलोगे भाई ये भी तो 800 MB का ही है, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग कि 800 MB हम लोग डाउनलोड करते हैं ना BGMI, जब डाउनलोड करने के बाद ही हमारा गेम जो है वहां पे फिनिश नहीं होता है, वहां पे हम लोग स्टार्ट करके खेल नहीं सकते। एक्चुअली मेन काम होता है उसके बाद, 800 MB डाउनलोड होने के बाद BGMI के अंदर का पैकेज डाउनलोड होता है, और वो ये ऐसा पैकेज नहीं है कि हम इसको डाउनलोड ना करके भी खेल सकते हैं, उसको डाउनलोड करना ही पड़ता है। वो रिसोर्स पैक होता है, वो डाउनलोड होता ही होता है। अगर आप BGMI खेल चुके हो, डाउनलोड कर चुके हो, आपको पता होगा कि उसको डाउनलोड करना जरूरी है, फिर जाके आपका गेम स्टार्ट होगा। सो दैट टोटली जो है ना आपका साइज जाके बढ़ जाता है 2 GB तक BGMI का, उसी जगह पे 700-800 MB में फ्री फायर। कुछ दिन खेलने के बाद आपका ये भी साइज इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि गेम के अंदर के डेटास वगैरह सब कुछ कलेक्ट होते रहते हैं आपके फाइल में। लेकिन फिर भी इसके बाद भी बहुत सारे नए नए अपडेट्स और कॉस्ट्यूम्स वगैरह जब आप लोग खरीदोगे, उसके बाद भी स्टिल आपका 2 GB तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा फ्री फायर। जबकि अगर आप लोग फ्री फायर को जब तक 2 GB पहुंचाओगे, उस टाइम तक अगर देखोगे तो BGMI शायद से 4-5 GB तक पहुंच जाएगा, या फिर उससे भी ज्यादा। तो ये थोड़ा सा कई बहुत ज्यादा अंतर आया था यार, कहां 2 GB और कहां उससे डबल 4 GB 5 GB। अब इन सबको छोड़कर नंबर 1 में जो रीजन आता है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है आज के टाइम पे, क्यों फ्री फायर को कोई भी अदर गेम रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी भी न्यू प्लेयर्स के सामने, स्पेशली जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मैप्स एंड मोड्स। जी हाँ, मैप्स एंड मोड्स, ये बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे गेम के अंदर। देखो ये चीज मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसके मैप्स ज्यादा है, इसके मैप्स कम है, मैप्स दोनों गेम्स के ही बहुत अच्छे खासे है, बहुत सारे चॉइसेस मिल जाती है हमें। यहाँ पे भी मोड्स मैप्स देखने को मिलते हैं, BGMI में भी मैप्स मोड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्री फायर के जो मैप्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें से 85 बंदे घुसते हैं, और इसकी वजह से टाइम बहुत कम लगता है कि गेम को फिनिश होने में। और अगर आप CS रैंक खेल रहे हो तो भाई 10 मिनट के अंदर गेम खत्म हो जाता है, और अगर आप बैटल रॉयल मतलब फुल मैप खेल रहे हो तो आज के टाइम पे आकर 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है भाई। उसी जगह पे BGMI में भाई 100 लोग एंटर करते हैं, मैप भी बड़ा होता है और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है, 40 से 45 मिनट के नीचे तो बात ही ना करो एक गेम के खत्म होने में। तो यस, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर जाती है, मतलब कभी ना कभी ये ओवरवेलमिंग हो जाता है न्यू प्लेयर्स के लिए, थोड़ा सा वो लोग भी इरिटेटेड हो जाते हैं, बोर फील करने लगते हैं भाई ये क्या है, गेम को 40-45 मिनट। कभी कभी कोई बंदा ना कोई बस में जा रहा है, ट्रम में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, उसको 20-25 मिनट का टाइम मिला है, या फिर 10-15 मिनट वो जस्ट ऐसे नॉर्मली फन के लिए खेलना चाह रहा है, तो वो खोलता है ऐसे ऐसे खेल लेता है। बट अगर वो अभी उसी टाइम पे 40-45 मिनट के लिए गेम खोलेगा पूरा गेम खत्म होने तक, ये चीज कभी ना कभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाता है। वो देखो न्यू प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग लेस इंटरेस्टेड हो गए गेम्स के ऊपर, उनको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता पहले जैसा गेम्स के ऊपर। आप खुद गौर करते होंगे, मुझे भी पता है कि क्या होता है एक्चुअली में। तो जितना टाइम कम लगे किसी भी चीज़ पे, वो चीज़ पे वो लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, रेदर देन जो चीज पे बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। सो देखो ये सभी 5 रीजंस थे जो कि हमें एक्चुअली में बताते हैं कि क्यों आज के टाइम पे फ्री फायर को BGMI या फिर कोई भी अदर बैटल रॉयल गेम कोई भी हो जाए रिप्लेस नहीं कर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो यस, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताना, आप कौन सा गेम खेलते हो वो भी मुझे बताना, चाहे BGMI हो या फिर फ्री फायर हो, दोनों गेम्स अपनी जगह में बेस्ट है ऑल टाइम मैं कहता आया हूँ। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से जल्दी 60K करने हैं हमको और फिर 100K की तरफ बढ़ने हैं यार, मतलब अभी बहुत ज्यादा जाना है। सो यस, जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमारो, गुड बाय एंड लव यू ऑल।